हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नेचुरल गांव। मैं आपका दोस्त चिकू, आज मैं नया वीडियो लेकर उपस्थित हूँ। तो आप देख सकते हैं, ये बाद में लगभग 2 या 3 दिन पहले पूरा ये बाद में पानी पानी दिख रहा था। हरा हरा मतलब धान का फसल की जगह सिर्फ पानी ही दिख रहा था। देख सकते हैं, पानी यहाँ से अब हर चुका है, और हरने के मतलब यहाँ से अब सूख चुका है पानी। और कुछ पानी अभी देखिए, इसमें कितना ज़्यादा पानी जमा हुआ है अभी। तो देख सकते हैं गाइस एक बार कि हरा हरा फिर वापस से दिखने लगा धान का फसल। तो अभी देखे वहाँ पे कुछ वोमेन वहाँ पे संगीत गा करके धान रोप रहे हैं, क्योंकि 2 या 3 दिन पहले यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा बारिश होने के कारण पानी पानी था। तो इस वजह से यहाँ पे मतलब एक खेत छूटा हुआ था, वही लास्ट खेत है गाइज, उसमें रोपा जा रहा है। देख सकते हैं वहाँ पे वोमेन मतलब गीत गा करके, मधुर गीत गा करके अपना काम कर रही है ताकि मन लगा रहे। तो देख सकते हैं आप वहाँ से, आपको गीत का भी आवाज़ आ रहा होगा कुछ। तो देख सकते हैं अभी भी पानी का मौसम बनाए हुआ है। कल रात को ही पानी हुआ था, तो ज़्यादा पानी नहीं हुआ था, पानी हुआ था और फिर खुल गया था, मतलब फिर बादल चले गए थे। तो देख सकते हैं यहाँ पे, एक बार मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ पूरा अपना एरिया क्या है। इधर पे पूरा पानी था गाइस। तो देख सकते हैं यहाँ पे अब सीधा सारे तरफ धान का ही फसल दिख रहा है। ये धान का फसल गाइस 3 महीना में इसमें धान का मतलब फल होता है गाइस, वो निकलने लगेगा। धान का अन्न होता है वो निकलने लगेगा 3 महीना बड़ा बड़ा होकर के। तो वो वीडियो मैं भी लाऊंगा, तो देख लीजिएगा वो वीडियो भी। और बाढ़ का अगर वीडियो नहीं देखे होंगे तो मैं लिंक इन डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो देख लीजिएगा वो भी। बहुत ही ज़्यादा पानी आया हुआ था गाइस नदी में, आपने देखा ही होगा। तो नदी में उतना पानी होगा तो इधर तो पूरा पानी ही पानी था, अभी भी पानी जमा हुआ है। और देख सकते हैं गाइस, यहाँ पे मैं दिखाता हूँ, ये धान है गाइस जो कि अब कनेक्टेड हो चुका है सॉइल से, मतलब मिट्टी को पकड़ लिया है ये। अब इसको कुछ नहीं हो सकता गाइस, इसमें पूरा कितना ही पानी आ जाए इसको कवर नहीं सकता। तो फ़ायदा यही हुआ। तो देख सकते हैं ये अभी कितना छोटा है, कितना प्यारा लग रहा है गाइज, लेकिन बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगा इसको रोपने में गाइज। तो देख सकते हैं कितना खूबसूरत दिख रहा है ये पूरा। और अभी शाम का समय है गाइज, ठंडे हवा चल रहा है। तो देख सकते हैं आप कि कितना सारा हमारे गांव में धान का रोपाई हो चुका है। तो गाइज ये 6 महीना में पूरा क्लियर हो जाता है धान को, धान से मतलब इसमें चावल के रूप में बना दिया जाता है, लेकिन चावल के रूप में बनाने के लिए बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगता है। तो मैं दिखाऊंगा कि कैसे कैसे होता है। पहले उसको उसीना जाता है, उसीनने का मतलब एक बड़ा सा डेक्ची लिया जाता है, डेक्ची मतलब पतीला, उसको मैं पानी डाल करके एक रात में पहले फुलाया जाता है, मतलब पानी में डाल करके धान को उसको एक रात फुलाया जाता है। और फिर उसमें पानी से निकाल करके उसको आग से सेका जाता है, फिर उसके बाद मिल में जाके उसके बाद फिर धूप में सुखाया जाता है, उसके बाद मिल में कुटाया जाता है। तो मैं दिखाऊंगा कि क्या क्या होता है, कैसे कैसे होता है। तो मैं फिर से बताना चाहूँगा कि धान का फसल में बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगता है, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है, बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगता है गाइज। तो देख सकते हैं आप, अब ये गाइज मतलब अब पिकनिक का वीडियो आएगा लगभग मंडे को आएगा, आज तो है ट्यूसडे है, तो मंडे को आएगा वीडियो, अगला मंडे को, अगले सप्ताह। तो देख लीजिएगा वो वीडियो भी, क्योंकि हम जाएंगे संडे को जाएंगे पिकनिक पे, तो मंडे को वीडियो आएगा। तो देख लीजिए अब गाइज, हमारा गांव में तो हो चुका है पूरा काम कंप्लीट, बस एक खेत बचा हुआ था धान का, तो वो भी हो जाएगा आज, हो ही चुका है अब। तो देखिए जा रहे हैं अब, शायद थोड़ा हो ही चुका है अब वो भी। तो देख सकते हैं आप, तो देख सकते हैं आप, एक बार मैं पूरा आपको दिखा देता हूँ अपना बात पूरा जिधर भी देखेगा, इधर छोड़ा के गाइस देख सकते हैं वहाँ पे मक्का का खेती है। मक्का के ऊपर कल वीडियो आएगा, मक्का को मैं बहुत अच्छा तरीका से दिखाऊंगा, मेरा ही खेत है, दिखाऊंगा मैं सही से आपको।
तो देख लीजिएगा वो वीडियो भी, मक्का का वीडियो कल आएगा। आपने पहले भी एक मक्का देखा था जिसे टिड्डे खा गए थे, तो वो वीडियो नहीं देखे होंगे तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो देख लीजिएगा वो वीडियो भी। तो देख सकते हैं शाम का समय हो चुका है और खेत में धान का फसल भी रोप आ चुका है। लगभग 3 महीना बाद वीडियो इसके ऊपर आएगा, धान के ऊपर, तो देखिएगा वो वीडियो भी। ये तो पार्ट 7 हो गया गाइज, पार्ट 8 आएगा 3 महीना बाद। तो बस इस वीडियो में इतना ही, गांव रिलेटेड, गांव के आसपास रिलेटेड जो भी वीडियो आएगा, जो भी वीडियो रहेगा, जो जिसके बारे में बताऊंगा, तो वो वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल पे कर दें, ताकि हमारा हर एक वीडियो आपके पास ज़रूर से ज़रूर पहुँचे। और इस वीडियो को ज़रूर से ज़रूर लाइक करें, ताकि एक लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है गाइस, तो ज़रूर कीजिएगा एक लाइक। तो बस लॉकडाउन में घर पे रहें, सेफ रहें। जय हिंद, जय भारत, जय भारत। थैंक्स फॉर वॉचिंग।